और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आरएलडी चीफ जयंत चौधरी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप इस वक्त उनको देख रहे हैं। अपील भी लगातार यही की जा रही है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों में उत्साह हो वोटिंग को लेकर। और जयंत चौधरी भी इस बीच वोट डालने के लिए पहुंचे। आरएलडी के अध्यक्ष, पहले विपक्षी गठबंधन का हिस्सा रही आरएलडी, अब एनडीए के साथ है लोकसभा चुनावों में। जयंत चौधरी पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। यूपी की 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है, कुल 91 प्रत्याशी हैं जो मैदान में हैं। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अमित शुक्ला हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, हम तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं दर्शकों को, जयंत चौधरी ने वोटिंग की है और बागपत से भी लगभग 21% मतदान की खबर है। यहाँ लोग किन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, जाटलैंड में इस बार मुद्दे किस तरह हैं, बदले हुए समीकरण में जयंत चौधरी पहुंचे हुए हैं। और साथ में आप इस वक्त देखिए, आप चारू सिंह वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हुई हैं। आस्था, तस्वीरों में आप उनको देख पा रही होंगी और जयंत चौधरी इसके बाद अपना इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। जैसे उनकी पत्नी वोट कास्ट कर लेंगी चारू सिंह, उसके बाद जयंत चौधरी भी वोट कास्ट करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ये तस्वीरें, क्योंकि जयंत चौधरी जो कि 2009 में यहां से सांसद रह चुके हैं आरएलडी के टिकट पर, 2014 में वो हेमा मालिनी के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतरे थे और इस बार चूंकि एनडीए का हिस्सा है, आरएलडी एनडीए का हिस्सा है, तो जयंत चौधरी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं हेमा मालिनी के लिए, जो कि मौजूदा सांसद हैं यहां पर। उनके लिए आज सुबह से इंतजार किया जा रहा था जयंत चौधरी के यहां आने का। और अब देखिए आप इस वक्त मतदान कर रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं जयंत चौधरी, उनकी पत्नी वोट डाल चुकी हैं और अब बारी है जयंत चौधरी की। मथुरा सीट बहुत वीवीआईपी सीट है, हेमा मालिनी तीसरी बार यहां से चुनावी मैदान में है। 2014 में वो प्रत्याशी बनते हैं, जयंत चौधरी से उनका मुकाबला होता है, तब पहली बार यहां पर वो विजयी होती है सांसद के तौर पर। और अब तीसरी बार पार्टी ने उनको चुनावी मैदान में उतारा है जीत की हैट्रिक लगाने के लिए। सर बहुत स्वागत है आपका। बहुत ओके, अभी वोट कास्ट करके बाहर निकले, हम बातचीत की पूरी कोशिश करेंगे जी। तो जयंत चौधरी अपनी पत्नी चारू सिंह के साथ वोट डालकर बाहर आ चुके हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे। सर परम में आहुति दी है, बहुत खुशी है और मैं प्रेरित करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा जो मतदाता हैं जरूर शामिल हों उसमें, वोट करें। हेमा मालिनी लड़ रही है, उनके लिए आप वोट करने आए हैं, तो कैसा लग रहा है इस समय? देखिए हम बूथ के एक परिधि में हैं, तो मैं वोट के संबंधित बात नहीं कर सकता, मैं अपील कर सकता हूँ। ईवीएम को लेकर जितनी भी याचिकाएं थी सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया और चुनाव आयोग ने कहा कि अब तमाम सवालों पर विराम लग जाना चाहिए। चुनाव आयोग पर भरोसा करें, मतदाता निकल के आए, ईवीएम पे जोर से बटन दबाएं। धन्यवाद। जयंत जी, जलेब हो रहा है बीजेपी के साथ, जो गठबंधन साहब का नेचुरल वोटर माना जाता था, वो आज का विषय यहाँ का विषय नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। हेमा हेमा जी की जीत की बहुत खुश है, मैं और चारू दोनों ने वोट डाली, दो वोट देश के लिए हमने डाली और भी मतदाता निकल के आए। जयंत जी, आपने मंच से बोला।